मेकअप करना किसको अच्छा नहीं लगता, आई थिंक सभी को अच्छा लगता है, लेडीज सभी को अच्छा लगता है। और जब शादी वगैरह होती है, कोई कहीं कहीं जाना होता है पार्टी वगैरह में, तो हम पार्लर में चले जाते हैं, वहाँ पे तैयार होने या मेकअप करवाने चले जाते हैं, अपना हेयर स्टाइल बनवाने चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। बट खुद भी करना चाहिए, खुद भी जो है मेकअप करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, नहीं भी आता तो भी करना चाहिए ट्राई। और मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें अपने कलेक्ट करनी चाहिए, कलेक्शन बनाना चाहिए अपना, जैसे ब्रश, ब्लेंडर और जो भी आप क्रीम वगैरह यूज़ करते हो, फाउंडेशन, इसकी कलेक्शन जो है बनानी चाहिए। कभी कभी हमें खुद भी करना चाहिए और आना भी चाहिए सभी लेडीज़ को। सत श्री अकाल, और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे वेडिंग गेस्ट मेकअप, और आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपना वेडिंग गेस्ट मेकअप कैसे करती हूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट लेके जो करती हूँ। आप भी जो है ऐसे ट्राई कर सकते हैं घर में। तो आप हम शुरू करते हैं, लेट्स गो। पहले जो है हम अपने बालों को टाई कर लेते हैं, नहीं तो बाल आगे आगे आ ही जाएंगे और हम अच्छे से मेकअप नहीं कर पाएंगे। गर्मी आ गई है ना, इसलिए टोनर अप्लाई कर रही हूँ। गुड वाइब्स का टोनर है ये हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और थोड़ा सा टाइम लेता है ऑब्जर्व होने में। इसके बाद मैं लूँगी प्लम का मॉइस्चराइजर, ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। और पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। फेस जो है पहले मॉइस्चराइजर कर लेना चाहिए, जहाँ टोनर अप्लाई करना चाहिए, जहाँ सीरम वगैरह अप्लाई कर लेना चाहिए। फिर मैं लूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर, इसको अपनी चीक्स पे, नोज़, फोरहेड, चिन पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पोर्स जो ओपन होते हैं उनको कवर करने के लिए मैं जो है प्राइमर यूज़ करूँगी। और फिर नाइका की ये फाउंडेशन है और मेरी स्किन से मैच करती है, ये मैं लूँगी। 2-3 पंप लेने हैं हमने, क्योंकि हम पार्टी वेयर मेकअप जो कर रहे हैं, इसलिए पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है, पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। कुछ लोग जो आईज के ऊपर नहीं लगाते, बट आईज के ऊपर भी लगाना चाहिए, बाद में चाहे हम कंसीलर वगैरह जो है अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, पर पहले हम जो है वो फाउंडेशन से को अप्लाई करेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ले लिया, थोड़ा सा डैम्प कर लिया इसको, और ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा इसको मतलब गीला कर लेना चाहिए, डैम्प कर लेना चाहिए। और फिर इसको जो है फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर पाएगा ये, अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे नीचे गर्दन पे भी, आईज़ के ऊपर। आपको जो और ज़रूरत हो तो आप एक और पम्प फाउंडेशन का ले सकते हैं, बट मेरे लिए इतना सफिशेंट है। अपने फेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ब्लेंडिंग जो है मस्ट है। जितना हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे उतना ही हमारा जो मेकअप है फ्लॉलेस होगा और अच्छे से वर्क करेगा। हमने अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिए, इसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर को मैं आईज़ के नीचे, ऊपर, जहाँ जहाँ हमने मतलब हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, ऊपर भी। आईज़ के ऊपर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आई शेडो जो भी हम कलर अप्लाई करते हैं वो जो है निकल के बाहर आते हैं। हाँ, साइड में भी लगाऊंगी, एक वो शेप बन जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये सब पूरा एरिया जो है हाईलाइट हो जाता है। फोरहेड पे भी, नोज़ पे, लिप्स पे, सारे मैं अप्लाई करूँगी।
और ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से कवर हो गया है फेस, और जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे जो है हमारे जो है चीक्स वगैरह हैं, चिन है, वो हाईलाइट हो गई है। हम कंटोरिंग करेंगे, मैं पाउडर कंटोर ले रही हूँ, तो आप क्रीम कंटोर भी ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कंटोरिंग की। कंटोरिंग का मतलब कि हम जो पार्ट मतलब हमारा, जैसे ये मेरी चिन है नीचे, डबल चिन है, इसको कवर करने के लिए ये अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे अच्छे से कंटोर करूँगी क्योंकि मेरे थोड़ी सी डबल चिन है, और चीक्स पे मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी थोड़ा मैं कर लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है फेस। नोज़ पे कंटोरिंग करूँगी ताकि नोज़ जो है हमारा शार्प दिखे। इसी हमने नीचे को ब्लेंड करना है, इसको कंटोर को, हमारा जो नोज है वो शार्प दिखने लगेगा। जिनका नोज बहुत ब्रॉड होता है उनके लिए फोरहेड पे भी थोड़ा सा एक शेप मिल जाती है हमारे फेस को, और मैं पाउडर से इसको सेट कर दूंगी। इसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट आईब्रो को फिल करेंगे। पहले मैं ब्लैक आई शेडो से इसको फिल करती थी, आज पहली बार मैंने जो है ब्राउन आई शेडो से आईब्रो को फिल किया है, और इसकी अच्छे से शेप जो है हम बना लेंगे। ये आईब्रो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी शेप मैं और चाहे कुछ करूँ ना करूँ, मैं आईब्रो जो है रोज़ इसको जो है शेप बनाती हूँ इसकी। ये मैंने फिल कर लिए। अब आईज़ का मेकअप मैं लूँगी, पहले येलो कलर, ये मैट कलर है येलो, इसको इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि जो कलर है अच्छे से निकल के आए। फिर मैं दूसरा ब्रश लूँगी और थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर, वो आउटर कॉर्नर पे लगाऊँगी और क्रीज पे पूरी लगाऊँगी, क्रीज से थोड़ा सा ऊपर, ताकि येलो और ऑरेंज कलर दोनों मिक्स हो जाएं और एक अच्छी सी शेड जो है वो आए। इनर कॉर्नर पे और लगाऊँगी मैं ऑरेंज कलर। आपने पहले ऐसे लगाना है कि जैसे हम कलर को डिपॉजिट करते हैं, और फिर इसको जो है ब्लेंड करना है हमने। मैं दोनों आईज पे लगा लिया, अब हम लेंगे येलो कलर, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर है, ये पहले मैं फिंगर से लगाऊंगी। ये कलर ऐसे है कि ये फिंगर से ही लगते हैं, पहले मैंने ब्रश से क्रीज बनाई थी, ब्रश के साथ इतना अच्छा नहीं आता, क्रीज नहीं बनती ब्रश के साथ इतनी अच्छी। क्रीज हम आईज को थोड़ा सा ओपन करके फिर ही हमें पता चलता है कि क्रीज कहाँ है, और इसको अच्छे से लगाएंगे, आई लिड पे भी लगाएंगे, आई लिड तक इसको जो है हम लगाएंगे ब्रश के साथ, इतना अच्छा नहीं लगता।
अब मैं फिंगर से ही इसको अप्लाई करूंगी। मैंने दोनों आईज पे लगा ली। आप देख सकते हो आईज का मेकअप। आप भी ऐसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा अब ऑरेंज कलर लेके इसको क्रीज को थोड़ा सा कि क्रीज ना दिखे हमारी, थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी, इक्वल करूँगी इसको ऊपर की साइड और आउटर कॉर्नर पे। आप देख सकते हैं दोनों साइड। हम लगाएंगे आईलाइनर। ये लैक्मे का आईलाइनर है ब्लैक कलर। इसको हम लगाएंगे। पहले आपने सेंटर से ही शुरू करना है। जिसको नहीं लगाना आता वो पहले जो आईज़ को ओपन करके ही इसको लगाना होता है। आईज़ को क्लोज करके हम नहीं लगा सकते इसको। आई लिड से शुरू करना है और धीरे धीरे आगे जहाँ तक आपने लगाना है। विंग लाइनर लगाना है जहाँ जो भी लगाना है आपने। दोनों साइड मैंने लगा लिए। अब मैं फेस कनाडा का काजल लगाऊंगी लोअर लैश पे। काजल तो हम हर रोज भी अप्लाई करते हैं। ये तो अच्छे से मैं अप्लाई करूंगी काजल को। अब मैं आई शेडो का कलर लूंगी ऑरेंज, सॉरी ब्राउन। ब्राउन और ऑरेंज दोनों को मिक्स करूंगी। ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो एक अच्छी सी शेड आ जाएगी जो मेरी आईज के ऊपर है। ऑरेंज कलर लूंगी। इसके साथ मैं ब्राउन को सेट करूंगी। अच्छे से मैं इसको सेट कर लूंगी। ये हो गया। आज देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है ये आई। मेकअप करके आप कहीं भी पार्टी वगैरह में शादी में जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पाउडर कंटूरिंग करूंगी। हमारा आईज का मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। जो भी डस्टिंग वगैरह होगी वो मैं क्लीन कर रही हूँ। ऐसे आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भी आता आपको मेकअप करना तो आप एक बार जो है ये वीडियो देख के ज़रूर ट्राई करना। मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। इसमें 4 शेड हैं स्विस ब्यूटी की। और मैं आज लूँगी ये वाइट सा कलर है। बहुत अच्छा है ये हाइलाइटर। आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 4 शेड है। नोज़ पे अप्लाई करूँगी, लिप्स के ऊपर, चिन पे। बहुत अच्छी इसकी शाइनिंग जो आती है, हाईलाइट हो जाता है सारा।
इसके बाद मैं स्टे क्विकी की ब्लश लूँगी, ब्लश मैं भूल गई थी, और ये ब्लश अप्लाई करूँगी मैं। ये भी बहुत अच्छा है ब्रश, नोज़ पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा फोरहेड पे, चिन पे। थोड़ा सा हाइलाइटर लेके मैं फिर से लगाऊंगी थोड़ा सा। इसकी बहुत अच्छी शाइन आ रही थी, और अब मैं हाइलाइटर थोड़ा सा आईब्रो के नीचे लगाऊंगी ताकि आईब्रो जो है वो एक शेप में आ जाए और थोड़ा हाईलाइट हो जाए। आईब्रो के नीचे लगाना चाहिए क्योंकि कुछ भी इधर उधर आई शेडो लग गई है या कुछ भी कलर लग गया तो वो जो है हमारा मैनेज हो जाएगा। आईज के इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी। हमारा मेकअप डन हो गया है, और अब मैं लगाऊंगी ये लिप लाइनर है, बहुत सारे कलर हैं, इनमें से एक लगाऊंगी मैं। ये कौन सा कलर, ये गलती से मैंने ग्रीन कलर ले लिया था ग्रीन कलर ले लिया था, ये ब्राउन है, मैं ब्राउन कलर लूँगी और अच्छे से लिप्स को जो शेप में करेंगे। लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब मैं लूँगी शुगर की, पिंक कलर है, ये मैं अप्लाई करूँगी। पूरे लिप्स पे लिप लाइनर से क्या होता है कि हमें पता होता है कि इसके अंदर अंदर ही हमने लिपस्टिक जो है वो फिल करनी है और बाहर जो नहीं जाती है। उसके बाद मस्कारा, जो कि मैं हर बार भूल जाती हूँ, एंड में मुझे याद हो तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही। अब मुझे याद आ गया था और मैंने 6-7 कोड जो है इसके मस्कारा के लगा लिए, क्योंकि मैं आईलाइशेस अप्लाई नहीं करती। और आप देख सकते हैं आईज़ कितनी सुंदर लग रही हैं। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो अपने घर में। अब मैं बालों को थोड़ा सा ट्राई करूँगी, ऐसे भी वैसे अच्छे लग रहे हैं। हमने जल्दी जल्दी जाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। सेटिंग स्प्रे, ये NYBA की है, ये इस स्प्रे से हमारे फेस में शाइन बहुत अच्छी आती है। मेकअप इज़ डन, मैंने थोड़े से बाल ऊपर से टाई कर लिए, बाकी खुले। मैं अपने बालों को कर्ल नहीं करती कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट है और अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना।